बना रहे हैं उसके ऊपर हमने मेंशन किया है इसमें बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च 2018, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी 31 मार्च 2018 की। अब देखो इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा वो सबसे पहले हमारा इसमें पॉइंट आ जाएगा क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें टू साइड में, सॉरी ऐसे इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का हमारा सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में हमारी गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है हमारी 90,000 की, 90,000 की हमारी कैपिटल गिवन है। इसमें हम ऐड करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट हमारा जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है गिवन 31,000 का, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ पर जो आया वो कितना आया हमारा 1,21,000 ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है हमें ड्राइंग्स को क्या करना है एडजस्ट करना है, लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हमें क्या करना है लेस करना है। तो ड्राइंग्स हमारे कितने की गिवन है 8,000 की, हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो हमारा अब रिमेन कितना बचेगी हमारी जो अमाउंट है वो कितनी बचेगी हमारी रिमेन, इसमें से माइनस किया 8,021 में से तो 1,13,000, ठीक है 1,13,000 हमारा अमाउंट बचेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सन्ड्री क्रिएटर्स, सन्ड्री क्रिएटर्स हमारे कितने के आ जाएंगे 21,900 के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट लाइबिलिटीज है हमारी वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने के हमारे 5,100 के, ठीक है। ये हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट आ गए। अब हम आ जाते हैं इसके एसेट साइड में, एसेट साइड में हमारी कौन कौन सी एसेट्स हैं, एसेट साइड में हमारी सबसे पहले एसेट्स गिवन है कैश इन हैंड, जो हमारी कैश इन हैंड है वो कितना है 11,200 का गिवन है। दूसरा जो हमारा है वो सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स है हमारे 18,000 के, ठीक है। तीसरा जो है हमारी एसेट्स है वो है हमारी हमारी 76,500 की, ठीक है। जो फर्नीचर है हमारा वो कितने का है 18,900 का हमारा फर्नीचर गिवन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है हमारे इसमें एसेट्स, वो है हमारी क्लोजिंग, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा इसमें 15,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगे। आप टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज का हम क्या करेंगे इन दोनों साइडों का टोटल कर देंगे, ठीक है।
इधर का जो टोटल आएगा हमारा बैलेंस शीट में हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर का टोटल आ जाएगा 140,000, इधर का भी टोटल आ जाएगा हमारा 140,000। देखो इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले हमारा क्या है इसमें टू और बाई नहीं आता है, ठीक है। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें टू और बाई लिख करके पॉइंट को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसको जो हम इसको टोटल करेंगे जो हमारा टोटल आएगा वो दोनों साइड का टोटल आएगा इक्वल, जितनी हमारी एसेट्स होंगी उतना हमारी लाइबिलिटीज होंगी, जैसा हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो एसेट्स के बराबर हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल होती है। तो लाइबिलिटीज हो गए हमारी ये दोनों पॉइंट और कैपिटल हो गया हमारा ये, और ये हमारा होंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है।